मुलर रिपोर्ट की माने तो ओबामा प्रशासन अमेरिकी चुनाव में रूस के हैकिंग पर उसके अनेक प्रतिशोधात्मक कदमों की घोषणा करने वाला है। ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने खुद साइबर हैकिंग का आदेश दिया। कई डेमोक्रेट मानते हैं कि इस हैकिंग के कारण हिलरी क्लिंटन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच के कड़े मुकाबले में हिलरी को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के खुफिया विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि डेमोक्रेट्स पार्टी और हिलरी के सहयोगी के ईमेल को हैक करके जारी कर देने का काम ट्रंप को ओवल ऑफिस पहुंचाने के लिए किया गया था। राजनीतिक रूप से नौसिखिया ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की थी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा कि इन कदमों की घोषणा इसी सप्ताह किए जाने की तैयारी है। इन कदमों में आर्थिक प्रतिबंध, राजनयिक आलोचना और साइबर अभियान जैसी गोपनीय कार्यवाही शामिल है। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैककेन और लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी चुनाव में रूसी दखल पर अमेरिका की और भी कड़ी प्रतिक्रिया की अपील की। मैककेन ने बाल्टिक देशों में अमेरिका की स्थायी सैन्य मौजूदगी बनाने और यूक्रेन को हथियारों से लैस करने पर जोर दिया। ग्राहम ने कहा, आपको रूस पर दीर्घकालीन तरीके से वार करना चाहिए। उन्होंने कहा, ओबामा यदि 20 जनवरी को पद छोड़ने से ठीक पहले यानी अब कार्यवाही करते हैं तो इससे गलत संकेत जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि रूस के खिलाफ भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं बल्कि रोकना है।